Hey guys, welcome back to my channel, Crazy Om Craziest में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी बज रहे हैं ढाई बज गया है। धूप हो रही है बहुत तेज बाहर, शायद आपको दिख भी रहा होगा कि बहुत तेज धूप हो रही है। कुछ दिन बारिश हुई बहुत झमाझम, उसके बाद तेज धूप निकल चुकी है, दोबारा थोड़ी गर्मी हो गई है। और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा शॉपिंग करने, मतलब घर की छोटी मोटी शॉपिंग करने, घर का थोड़ा जरूरी सामान लेना है। तो हमने सोचा आज हम हो आते हैं, मतलब हम ले आते हैं सामान। और मम्मा का फास्ट भी है होली अष्टमी का, तो उसके लिए भी सामान लेना है। ये मेरी मम्मी थक चुकी हैं घर का काम कर करके, इनकी हालत बहुत बुरी हो रही है, नींद आती नहीं है, पता नहीं क्या करती है। अपनी सेहत भी दिखा दे आराम कर करके। मेरी सेहत गाइस देख लो, आप मेरी सेहत देख लो, आराम कर करके बिल्कुल मस्त नींद सो के मेरी आप सेहत देख सकते हैं, और मम्मी की भी सेहत देख सकते हैं। यार मम्मी पहले से पतले, भाई मेरे में कोई रोल नहीं है। हम तो कहते हैं भैया मम्मी आराम करो सो। और ये रहा एक हमारा ड्राइवर, ये अपने आपको ऐसे ड्राइवर कहता है, ये कहता है मैं तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बेटा नहीं, मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ, रामू काका। इसने अपने आपको ये उपाधि दे रखी है रामू काका की। अभी हंसेगा थोड़ी, अभी ऐसे बैठ चुका है, बस पूछो मत कि बस कह रहा है। यूं मुझे तो कहता है मेंटल है ये, इसने मुझे मेंटल की उपाधि दे रखी है। मम्मी आप कुछ कहना चाहोगे? मम्मी के पास कुछ नहीं, हो थकी हुई है बहुत बुरी तरह, उन्हें नींद नहीं आ रही, क्योंकि एक्चुअली दिवाली भी आ रही है तो घर में वो वही, आप सबको पता, आप सब भी सफाई वफाई करते रहते होंगे दिवाली जब आती है। तो अभी चलते हैं थोड़ा बहुत सामान लेने, देखते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं। मम्मा को वो व्रत का भी सामान लेना है। हॉस्पिटल है गाइस, बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा जबरदस्त। गाइस बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत तगड़ी भीड़ है। और अभी हम आए कुछ खाने, बहुत तेज भूख लग रही है, क्योंकि गाइस मम्मी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ रह गई। एक तो वो ना रुक देखती नहीं है, रुकते रुकते चलती समझ नहीं आता मुझे, तो उन्हें कुछ अच्छा लगेगा रुक जाएंगी वहाँ, यही देखेंगी हम आगे जा रहे हैं। अब बता इतनी भीड़ में कैसे जाऊँ मैं। तो देखते हैं, मम्मा को देखते हैं कहाँ गई हैं, मम्मा को ढूंढते हैं। कहाँ चले गए? बता, मम्मी कह रही मैं दिमाग मत खराब कर, खुद कहीं चली गई थी। तुम गायब हो मम्मी, मोकर मैं और आप साथ चल रहे थे, आप गायब हुए, माने को तो है नहीं। बाहर ही खड़े थे, मैं तुम्हें देख के थक गई। सो गाइस ये तो मानेंगे नहीं, और ये आया है डोसा। यहाँ कह चुके हैं हमारे छोले भटूरे। गाइस मैंने पापा के लिए ढोकला ले लिया है, मैं सोचा वो ढोकला खा लेंगे, हम यहाँ पे छोले भटूरे खा रहे हैं तो पापा ढोकला खा लेंगे। गाइस अब चलते हैं घर, शॉपिंग कर लिए। शॉपिंग क्या करी है, मतलब बेसिकली क्या था, बुआ के लिए सूट लेना था, क्योंकि वो इसे फेस्टिवल पे लेते हैं ना, तो बुआ के लिए सूट लेना था, बुआ के लिए सूट ले लिया। लेकिन इतनी भीड़ है, बहुत तगड़ी भीड़ है, बहुत ज़बरदस्त। छोटा मोटा घर का सामान ले लिया है और अब चलते हैं, हमें बहुत देर हो गई है, पापा का फ़ोन आ रहा है। अब बताओ ना कोई कैसे बताया कि यहाँ चलने की जगह नहीं है, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। थोड़ा बहुत खा लिया है क्योंकि भूख लग रही थी बहुत तेज, लंच नहीं करा था। और सच बताया ना आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, सुबह पता नहीं ब्रेड बटर खा रखा है बस सबने। तो हम यहीं आ गए थे और इतनी चला नहीं जा रहा, चलने की जगह नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी सब लोग ना शॉपिंग करने आए हुए, और अब देखो कैसे गाड़ी अटक अटक के चल रही है, क्योंकि दिवाली बिल्कुल, मतलब एक हफ्ते में दिवाली है, और आपको पता है दिवाली जो है वो कितना बड़ा फेस्टिवल है इंडियंस के लिए, जो तो इसीलिए सब शॉपिंग कर रहे हैं अपनी दिवाली की।
बहुत जाम है, बहुत जाम है। मतलब मुझे लगता है कभी भी संडे को नहीं आना चाहिए मम्मी, कि संडे को सोचते हैं सब फ्री होते हैं तो शॉपिंग करने चलो। हाँ हमें हमें तो मुझे लग रहा है मम्मी एक और बार आना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने कुछ भी नहीं लिया है घर के लिए जो मतलब। हाँ टाइम भी नहीं है। मम्मी अभी यहाँ सब्जी ले रही है। यहाँ मम्मी सिंगाड़े ले रही हैं कल के लिए, क्योंकि कल मम्मा का फास्ट है और ये पूजा में रखे जाते हैं सिंगाड़े। हम आ चुके हैं और पापा यहाँ हमारे इंतजार करते करते थक चुके हैं, कह रहे कहाँ कब आओगे कब आओगे कब आओगे, इन्हें बताओ। इतनी भीड़ थी, बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी। जब इनको कहते हैं पापा को कहते हैं पापा चलो हमारे साथ चलो, हैं बैठ जाना वहीं पे, घूमना फिरना मत, लेकिन ये मनते नहीं है। फिर आप देखोगे मुंह बन रहा है। गाइस पता है क्या किया आज इन लोगों ने, इतने अजीब लोग हैं भाई साहब, इतने अजीब लोग हैं। इन्होंने पता है क्या किया है, कॉफ़ी के अंदर सोडा, इसका तो खाली सोडा है, इसमें कहा कॉफी किया बना। ये मुझे आज पहली बार पता चला, ये कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं ये लोग, कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। कॉफी में कॉफी में सोडा, सॉरी गाइस, कॉफी में इन्होंने सोडा मिला के पिया। बताओ कह रहे हैं, इनकी शक्ल तो देखो क्यों तो टेस्टी लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। गाइस आज मैं बना रही हूँ करेले, मतलब मैंने फ्राई होने के लिए इसको रख दिया है, तो आज डिनर में बनेंगे करेले। मेरा मन नहीं करेले खाने का, लेकिन खाने पड़ेंगे, क्या करें, सब कुछ खाना चाहिए। मैंने बोला सब कुछ खाना चाहिए तो उस वक्त मम्मी गुस्सा करने लगी, क्या कह रही थी, करेले वो घिया तो नहीं खाती, घिया मेरे को अच्छा नहीं लगता। फिर भी तो क्यों बोल रही सब कुछ खाना चाहिए? नहीं मैंने तो लोगों को बोल रहा हूँ ना कि सब कुछ खाना चाहिए, तो पहले खुद तो खा ले। हाँ तो मैंने तो खाया है घिया, ऐसा नहीं है मम्मी, तुम देती हो तो फिर खाना ही पड़ता है जबरदस्ती। तूने सेम टी शर्ट पहनी आज, कॉपी कैट, तूने सेम ही टी शर्ट पहन ली। ओ माय गॉड इतना बड़ा कॉपी कैट, देखो सेम टी शर्ट बिल्कुल सेम। बहुत कम ना हंसी रोक के रखता है, बिल्कुल अपनी हंसी रोक के रखता है ये, लेकिन कभी कभी हंसी देता है वीडियो में। यहाँ मम्मी रोटी बना रही है, ये कोई नया काम नहीं कर रही है। क्या मतलब मम्मा ये बोलने का, मैं कोई नया काम नहीं कर रही हूँ, सब बनाते रोटी, मैं नहीं मतलब तू बनाए तो कुछ बात भी है, जब तो बना। ओह यस मैं बनाऊँ तो कुछ बात भी है। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।